हाँ भाई, क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडे वी आर गोना वॉच एन इंडियन मूवी ट्रेलर। दिस इज अ पंजाबी मूवी कॉल्ड सज्जन सिंह रंगरूट एंड इट्स बेस्ड ऑन अ वर्ल्ड वॉर वन या टू। आई डोंट नो डेट्स जो है वर्ल्ड वॉर टू की नजर आ रही है, बट पीपल आर सेइंग इट्स वर्ल्ड वॉर वन। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। Okay, based on a true story. I always appreciate a true story. Okay, World War One. Hey, which regiment? Lahore Regiment, Indian British Army. Do these men even know how to handle their rifles? ਬੰਦੂਕ ਫੜਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਰ ਦਈਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ। सही बात करिए आखिर में। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज सज्जन सिंह रंगरूट ऑफिशियल ट्रेलर एंड दैट वाज अ गुड लुकिंग ट्रेलर राइट देयर। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा ऑब्वियसली नोट हो रही थी वो थी कलर ग्रेडिंग जो थी पूरे ट्रेलर की और पूरी मूवी की हेंस फोर्थ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन पीरियड मूवी है। इट्स रियली टफ टू पुल इट ऑफ मैन। इट्स इजीियर बिकॉज इट्स अ वॉर मूवी, तो आपको ज्यादा शहरों के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कल्चर दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम का। बट यू स्टिल हैव टू शो बिट्स एंड पीसेज ऑफ इट, जो घर वाले जो मुल्क के अंदर हैं, फैमिली और इन सब के जब शॉट्स दिखाने होते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग द आर्ट डायरेक्शन ए गेम, आपको करना पड़ता है। पीरियड मूवीज का गेम ही सारा आर्ट डायरेक्शन का होता है। अगर आपके कॉस्ट्यूम सही नहीं है, अगर आपका सेट सही नहीं है, अगर आपके एक्टर सही नहीं है, इट जस्ट फेल्स। ओल्ड वर्ल्ड वॉर वन पीरियड मूवी है, कलर ग्रेडिंग ऐसी हुई हुई है कि लगे कि हाँ भाई उस जमाने की बात है। यू नो कलर्स आर अ बिट हाई कंट्रास्टेड, थोड़ा बहुत अपना डायरेक्टर का भी इसमें, एडिटर का, आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ दोस गाइस डिसाइडेड दैट, या कलरिस्ट का भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है उसमें रोल। बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड लुक, आई रियली लाइक्ड इट। एक्टर्स वर आल्सो प्रीटी गुड। आई डोंट नो एनी ऑफ द एक्टर्स क्योंकि मेरा पंजाबी सिनेमा में इतना ज्यादा रहा नहीं है एक्सपीरियंस। बट या इट्स ट्रू, पंजाबी व्हेन यू थिंक ऑफ सिख कल्चर सुन के आपके दिमाग में कॉमेडी सबसे पहले चीज आती है कि कॉमेडी का कोई सीन होगा। यू नो इट्स गोना बी फनी, इट्स गोना बी समथिंग स्लैपस्टिक सॉर्ट ऑफ अ कॉमेडी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दिस इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एंड यू नो एंड द सब्जेक्ट इज प्रीटी हैवी क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में आई थिंक ब्रिटिशर्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग इंडिया एंड आखिर में जैसे वो लाइन बोलता है कि हम उन्हीं को बचाने चले गए जिन्होंने हमारे मुल्क में घुस के हम पर ही वो करा, मतलब अब्यूज़ कराया,
You know, so it's something that's really heavy aur bahut ek perspective hai us Punjabi us Sikh soldier ka jo Britishers ke liye lad raha hai koi aur jung jo uski jung nahi hai basically but because his governments and his leaders are together so he has to be the front line for somebody else's army for somebody else's cause and for somebody else's war so yeah it makes you think I enjoyed the trailer thank you Agam Bajwa for requesting this I really appreciate your request yeah thank you for requesting and let me know which trailer you guys want me to react to next I'll try my best to get to it as soon as possible thank you so much for watching I love you guys take care shabakhair